तो ये भाई साहब इन्होंने पहले भी बाइक जो हमारा फोड़ रखा है, देखो कैसे फेरते पहले भी इसने सारा का सारा बाइक तोड़ रखा है, आप देख सकते हो। ये देखो, आपको मैंने कल भी वीडियो एक डाली, उसमें भी बताई, देखो सारा हिल चुका है ये। और ये तो इसने नया डलवा लिया है, पता नहीं ओरिजिनल है पता नहीं डुप्लीकेट है। तो अभी बात करेंगे इस बाइक की आज, जो कि अपने भाई का ही है। कंडीशन देख लो पहले, आज तो वैसे धो रखा है और कुछ अच्छा भी लग रहा है देखने के लिए, लेकिन पीछे मैंने सिद्धू मूसेवाला की फ़ोटो लगा रखी है और इन ये करण ओजला का फैन है, तो इसने डोंट लुक लिखा रखा है, ये देखो अभी। लेकिन गंदा बहुत ज़्यादा रखा है, नंबर प्लेट नहीं लगाई है, दो नंबर का काम करता है ये बंदा, दारू बेचता है दो नंबर का ये बंदा, ये देखो सीट मेरा इसने बिल्कुल फाड़ रखी है। और ये बोल रहा है कि मैंने ये इसलिए निकाला है क्योंकि इसके चालान वगैरह ज़्यादा होते हैं ना, तो इसलिए इसने ये निकाल रखी है। तो ये भी ठीक है, वैसे तो अच्छी बात है, नहीं भी है कमेंट में नहीं तो गालियाँ देगी यहाँ से आपको। देख लो सर, जो भी नया बाइक लेता है ना, तो उनको सभी को मैं एक चीज़ बता देता हूँ, जो यहाँ पे टेप नहीं आती है, यहाँ पे ये देखो वाइट कलर की, और यहाँ पे आप टेप को लगवा लेना, क्योंकि इससे ना जो आपका मतलब ये चीज़ है, ये ठप ठप की आवाज़ नहीं करेगा, ठीक है। तो अभी तो ये हिला पड़ा है, लेकिन चलो कोई बात नहीं, लेकिन बता रहा हूँ ये टेप ज़रूर लगवाना जो भी स्प्लेंडर बाइक ले के आता है। तो उसके बाद मेन जो बात कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ मैं भाई इस रूट हॉर्न की, ठीक है। ये रूट हॉर्न हम लगवा तो लेते हैं, लेकिन हमें कुछ पता नहीं होता कि क्या काम करते हैं क्या नहीं करते हैं, ठीक है। और पहले तो मैं आपको सब बता देता हूँ, ये मतलब ये रूट्स के जो हॉर्न है, ये देखो रूट्स के हॉर्न लिख रखा है, तो ये हमें पड़ गए थे मतलब कि 1950 रुपये के वैसे पड़े थे अकेले हॉर्न और हॉर्न, ठीक है। और लगवा के ये 2200-2300 रुपये के पड़ जाते हैं, ठीक है ना। और इसे कई बंदों को नॉलेज नहीं होती है कि इसे कैसे लगवाना है, डायरेक्ट बैटरी से भी मतलब लगवा देते हैं, तो बैटरी से पहली बात तो नहीं लगवाना है डायरेक्ट ना, इसके लिए एक रिले आते हैं, अभी रिले शायद अंदर ही फिक्स कर दी है वो, नहीं तो मैं आपको दिखा देता है, या तो इसमें फिक्स है या तो ऊपरली साइड फिक्स है, ठीक है। तो पहली बात तो रिले आती है 200-250 रुपये की, रिले या कुछ बोलते हैं उसे, रिले ही बोलते हैं शायद, है ना, रिले तो वो आती है, उसे ज़रूर लेना है और उसी से ही ये लगवाना है ना। और दूसरी बात, वायर अच्छी लगवाएं भाई, ऐसे नहीं कि डुप्लीकेट वायर लगवाएं, नहीं तो वायर कभी भी शॉर्ट हो सकती है। मेरे सामने ऐसे भी केसेस आए हैं, जैसे केसेस क्या मतलब कि हमारे बंदों के बाद जिन्होंने वायर इसके साइलेंसर के साथ टच होकर मतलब जल जाती है और दिक्कत हो जाती है ना, तो वायर अच्छी जरूर लगवाएं। और देखो हमने इस पर ना ब्लैक टेपिंग भी करवा रखी है, देखो वायर के ऊपर, क्योंकि जलेगी नहीं, अगर लग भी जाती है, इंजन गर्म भी हो जाता है तो भी ये जलेगी नहीं, तो इसके ऊपर ब्लैक वायर ज़रूर लगवाएं, ठीक है ना, सॉरी ब्लैक टेप ज़रूर लगवाएं, एंड देन रिले ज़रूर डलवाएं। और एक बार और बताता हूँ आपको, हम बोलते हैं कि जैसे कि रूट्स के हॉर्न होते हैं वो अच्छे होते हैं या ख़राब नहीं होते फलाना दिमकाना ना, तो एक बात बताता हूँ भाई, ऐसा कुछ नहीं है, ख़राब हो जाते हैं। अभी कितना टाइम हुआ भाई, आप चेक कर सकते हो पीछे वीडियो में, जब हमने ये रूट्स के हॉर्न लगवाए थे तो अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ मेरे हिसाब से, तो 4-5 मंथ ही हुए हैं और अभी इनकी जो हालत है वो ख़राब हो चुकी है। तो मैं आपको इनकी साउंड बता देता हूँ, जब आए थे जब की भी आपने साउंड सुन ली है, और अभी की भी मैं इनकी साउंड सुना देता हूँ, ठीक है। देखो अभी तो ये सुन सकते हो आप आवाज़ इसकी, ये तो अभी जैसे ना खड़ा हुआ है कल का, तो अभी कोई दिक्कत नहीं दे रहा, अभी ठीक है ये, लेकिन थोड़ी देर चलने के बाद ही मतलब एक कभी बंद हो जाता है, कभी फटी हुई आवाज़ आती है, कभी कैसी आवाज़ आती है ना, तो इस मतलब इस उसमें नहीं रहे कि आप ये सोचें कि रूट्स के उन अच्छे होते हैं या ख़राब नहीं होते हैं, तो भाई ये भी साथ छोड़ जाते हैं। लेकिन जो जैसे गाड़ियों में ये हॉर्न लगते हैं वहाँ पर नहीं छोड़ते, ये नहीं पता क्यों नहीं छोड़ते, या तो मेन दिक्कत रिले में आती है या तो इसी में ही आती है, लेकिन मुझे जहाँ तक लगता है कि इसी में ही आती है। और एक चीज़ मैं आपको और बताता हूँ, इसके ऊपर ना एक कवर आता है, वो जब भी आप लें तो इसको ज़रूर लगा रखें, क्योंकि जैसे बारिश वगैरह पड़ती है तो इसके अंदर भी पानी चला जाता है और उससे भी बहुत ज़्यादा दिक्कत आ जाती है। तो अभी एक अच्छी चीज़ ये है कि ये रिपेयर हो जाते हैं, ये मेरे को अच्छी चीज़ लगी, और हम जाके अभी थोड़े टाइम बाद इसे रिपेयर करवाएँगे, उसकी बाद की भी मैं वीडियो बनाऊँगा कि रिपेयर करने के बाद कैसी इसकी आवाज़ आती है, कैसी ये साउंड देता है, ठीक है। तो वो भी आपको मैं पूरा का पूरा डिटेल में बता दूंगा। तो आज की जो वीडियो मेन थी वो तो रूट्स के हॉर्न पर ही थी, कि रूट्स के हॉर्न लगवाने चाहिए या नहीं लगवाने चाहिए। और ये सबसे बड़ा रूट्स का ही हॉर्न हमने लगवाया, ये 1950 का हमारे इधर पड़ा था तब, अब पता नहीं बढ़ गया होगा, लेकिन जब पड़ा था और लगवा के वही 2200-2300-2400 के करीब सारा का सारा कुछ पड़ गया था। ये हमने ये देखो इसके साथ ये जो आती है
ये तो इसके साथ को आती है, लेकिन ये जो हमने लगवाई हुई, ये बेल्डिंग करवा के लगवाई हुई है, नीचे पत्ती देख सकते हो आप, ये हमने अलग से बेल्डिंग लगवाई है, तो इसका खर्चा आप अलग से जोड़ सकते हो, ठीक है ना। अभी और तो यार डिपेंड करता है आप पे, आप क्या क्या मॉडिफिकेशन बाइक पे करवा सकते हो, लेकिन ये तो आम जनता लगवाती हुई है कि हाँ रूट्स के होने इस पर जाचते हैं और इंडिकेटर्स वगैरह खुलवा रखे हैं। तो मैंने अपने बाइक के ऊपर ऐसा कुछ भी नहीं करवाया हुआ है, मेरा बाइक ये देखो तो उन्होंने सेम स्टिकर हमने लगवाए रखे हैं, लेकिन मैंने रूट्स के हॉर्न नहीं लगवाए, मैंने दूसरे हॉर्न्स लगवाए हुए थे, जो जैसे कि आपको पता है मैंने वीडियो में बता रखा है। तो वो यार मेरा एक चोरी हो गया था, तो मैंने दूसरा भी खोल दिया, तो अभी फ़िलहाल मैंने कुछ नहीं लगवाया, देखता भी थोड़े टाइम तक को लगवाएंगे, और अलॉय व्हील्स भी इन दोनों में लगवाने जा रहे हैं हम थोड़े टाइम तक, तो फ्री होते ही आपको वो भी हम दिखा देंगे, है ना। फिलहाल यहाँ ये वीडियो यहाँ पर ही ख़त्म करते हैं, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना, शेयर कर देना, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्दी आपके लिए आने वाली है, ठीक है, मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर।